हेलो दोस्तों, टोटल एगेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वीवो का फ़ोन आया हुआ है जिसका मॉडल है Y31। तो दोस्तों इसे नया मॉडल है तो इसमें दोस्तों FRP लॉक यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों इसे मैंने अभी जस्ट यहाँ पे पैटर्न को तोड़ा है। तो दोस्तों पैटर्न को आप दोस्तों मैनुअली डायरेक्ट आप रिकवरी में जाकर भी आप इसे तोड़ सकते हैं। तो वो तोड़कर दोस्तों मैं यहाँ पे अभी दिखाता हूँ कि इसमें FRP यहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा इस FRP इसको मुश्किल करना होता है, लेकिन दोस्तों आप अगर अच्छे से देखिएगा तो समझ जाइएगा कैसे इसे रिमूव करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे FRP लॉक लगी हुई कि नहीं। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है, यहाँ पे FRP लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल ID भी यहाँ पे मांग रहा है दोस्तों। तो ये FRP को आज हम कैसे रिमूव करेंगे, चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक लॉक सिम लेना है जो कि जिसमें PUK कोड लगा हुआ रहता है। तो आप किसी भी जियो एयरटेल या कुछ भी जिसका PUK लगा हुआ उसको आपको लेना है और सिम को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है दोस्तों। इस सिम को आपको लगाना है और लगा कर दोस्तों पावर बटन जैसे ही मतलब कुछ आएगा आपको पावर बटन को ऑफ करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही PUK शो करेगा कि लॉक है, तो यहाँ पे मैंने पावर बटन ऑफ किया और फिर से ऑन करना है और यहाँ पे सिम को निकालना है। सिम को निकालने के बाद तुरंत फ़ोन देखिए निकला और फ़ोन को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद देखिए ये फंक्शन आ जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर पे डबल टैप करना है, मैं आपको दिखा। तो दोस्तों यहाँ पे डबल टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे टैप करने के बाद दोस्तों गूगल पे क्लिक करना है। अगर गूगल ऐड नहीं है तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे प्लस के निशान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या सर्च करना है, क्रोम सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रोम सर्च कर यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको बता देता हूँ नो थैंक्स करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐड रोम। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ADDROM, इसको सर्च करने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। उस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक, यहाँ देखिए दोस्तों सेटिंग ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेगा आप सेटिंग में आ जाइएगा दोस्तों। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एसेसिबिलिटी में आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। आपको यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करने के बाद नीचे सबसे नीचे जाना है एसेसिबिलिटी। उसके बाद दोस्तों एसेसिबिलिटी मेन्यू को आपको ऑन करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, तो यहाँ पे देखिए नीचे कॉर्नर में यहाँ पे एसेसिबिलिटी का जो लोगो होता है वो आ गया। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाना है हमें, यहाँ पे देखिए ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड्रॉयड सेटअप को आपको फोर्स स्टॉप करना है। आपको हर एक स्टेप दोस्तों अच्छे से करना है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे शो सिस्टम पे क्लिक करिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं क्या करना है, यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू है दोस्तों, इसको भी फोर्स स्टॉप आपको करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों हमें एक और फाइल को यहाँ पे सर्च करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दोस्तों अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे फिर से बैक जाना है, पूरे बैक जाना है। अब पूरे बैक जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जाना है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है एंड एग्री। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से क्या यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो आपको देखना है। यहाँ पे सेम दोस्तों आपको पैटर्न और FRP मांगेगा, तो उस समय हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से पैटर्न और FRP मांग रहा था। यहाँ पे नीचे एसेसिबिलिटी जो का लोगो है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे असिस्टेंट पे क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पे बोलना है हमें दोस्तों ओपन सेटिंग। तो देखिए दोस्तों ओपन सेटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग ओपन हो गया। और यहाँ पे दोस्तों करना क्या है हमें, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में, और यहाँ पे सी ऑल ऐप पे, और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस पे इसे दोस्तों डिसेबल करना है, गूगल प्ले सर्विस को। और फिर से दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे एंड्रॉयड सेटअप है इसको फोर्स स्टॉप करना है। अच्छा फिर से बैक जाना है और यहाँ पे पूरे बैक जाना है, यहाँ पे पूरे बैकअप चले जाइए दोस्तों। और फिर से यहाँ पे इसे फिर से इसे आपको यहाँ पे सर्चिंग करनी है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट, फिर एग्री। और दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बार बार यहाँ पे फिर से नेक्स्ट, और दोस्तों यहाँ पे आपको बार बार इरर होगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आगे का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको बैक जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको बैक करना है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ जल्दी से आपको बैक करना है, पूरे बैक करना है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे दोस्तों ये ऑफलाइन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे स्किप करिए
और यहाँ पे जैसे आप मोबाइल फ़ोन को ओपन करते हैं दोस्तों, उस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए मेरा फ़ोन यहाँ पे दोस्तों ओपन हो चुका है। इसका FRP जो है दोस्तों वो बाईपास हो चुका है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको हर स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, तभी आप वीवो Y31 का FRP रिमूव कर पाइएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक से करना मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे ऐसे वीडियो ट्रिक के लिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।